ओमकार 24/7 मैं आपके साथ रेणु चौहान। बागपत में चांदी नगर के ललियाना गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नारी चौपाल में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि कुरीतियों को दूर करने के लिए नाटक करके लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कविता चौधरी द्वारा की गई। कविता चौधरी ने बेटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें बचाने और पढ़ाने पर जोर दिया। वह बेटियों को बेटों के समान प्यार एवं अधिकार देने का भी आह्वान किया। जिला ग्राम प्रधान वेद सिंह ने कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के विषय में अवगत कराया। हुकुम सिंह ने कहा कि बेटी बेटे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आजकल बेटियां भी हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम में आई बच्चों की माताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हेड मास्टर हुकुम सिंह ने किया। इस दौरान वहां पर अध्यापकों में रितु राठी, शकील, ललिता अरविंद व ग्रामीणों में सत्तार, संदीप सोनू, विपिन माहेश्वरी, रणवीर आदि मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ हुआ। यूपीएस ललियाना के पूरे स्टाफ की ओर से नारी चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कविता चौधरी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारा उत्साह वर्धन किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक महिला का और बेटी का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारी नारी चौपाल कार्यक्रम को सार्थक बनाया। अब मैं आग्रह करूँगी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कविता चौधरी से कि वे बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया और उन माताओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया जिनके यहाँ केवल 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटियाँ हैं, क्योंकि उनकी बेटियाँ आज अच्छे विद्यालय में और उच्च कक्षा में पढ़ रही हैं। इससे जो बच्चों की माताएं हैं उन पर ये प्रभाव पड़े कि हम भी अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। चौपाल की सार्थकता है नारी से। नारी एक धुरी है अपने परिवार की और समाज की भी। नारी के इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता है और परिवार की तो कर्मधार ही नारी है। इसीलिए आज हमने नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया है और माताओं और बहनों को बुलाया है ताकि माताएं और बहनें आएं और देखें कि किस तरह लड़कियां बुलंदियों को छू रही हैं और अपने घर की बहनों को बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसा आपको विदित है कि आपका यह कार्यक्रम नारी चौपाल का चल रहा है, देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सरकार ने आप लोगों के लिए लिखी है। देश का भविष्य नारी पर निर्भर करता है। यदि एक लड़का पढ़ता है, एक लड़के को पढ़ाया जाता है तो एक यूनिट पढ़ती है, यदि एक लड़के को पढ़ाया जाता है तो एक परिवार पढ़ता है ना। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु भुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।